हेलो डियर स्टूडेंट, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू रीड पार क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 24 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमें कक्षा 7 इंग्लिश ग्रामर का जो 24वां चैप्टर है 24 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में हमें और आपको पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 23 यानी 23वां चैप्टर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को 24वां चैप्टर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें और आपको जानना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं। डियर स्टूडेंट, आइए, फ्यूचर माने भविष्यकाल और कंटिन्यूअस माने जारी होना, यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे भविष्यकाल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसी को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस काल में ऐसे कार्य प्रकट करते हैं जो भविष्य में आरंभ होते हैं, भविष्य में प्रारंभ होते हैं। इस काल के अंत में क्या रहेगा, देखिए पहचान इसकी क्या है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा आ सकता है, रही होऊंगी आ सकता है, तो यह सब शब्द आते हैं। यानी जिन वाक्यों में वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होऊंगी, ये शब्द आए तो आप समझिएगा कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। डियर स्टूडेंट, आप जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब आपकी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जो सहायक क्रिया आपकी होती है वह होती है विल और शैल। सामान्य सेंटेंसों में आई तथा विल के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग बताया गया था फ्यूचर इंडिफिनिट में, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल। लेकिन परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, जब वाक्य में निश्चितता प्रकट की जाती है तो आई और वी के साथ हम विल लगा देते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ शैल लगाते हैं। अब यहां आपकी सहायक क्रिया क्या होगी, विल बी और शैल बी। यानी अगर कर्ता आई और बी है तो सहायक क्रिया हम लगाएंगे शैल बी, और अगर दूसरे कर्ता है तो सहायक क्रिया हम लगाएंगे विल बी। अब आइए हम इन सेंटेंसों के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल बी लिखेंगे सहायक क्रिया, अन्यथा की स्थिति में आप विल बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब क्या, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तत्पश्चात हम अन्य शब्दों को सिस्टमेटिक ढंग से लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ माँ अतिथियों के लिए खाना पका रही
होंगी। देखिए पहचान है आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में से आ गया तो इससे सिद्ध होता है कि यह आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कहीं नानुपुर भी नहीं है, नहीं भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो इसलिए यह सेंटेंस आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, मदर। अब मदर के लिए सहायक क्रिया लगेगी विल बी। अब उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, कुक माने पकाना होता है, इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी। मदर विल बी कुकिंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, किनके लिए, अतिथियों के, सर खाना ऑब्जेक्ट है, तो कुकिंग फूड किनके लिए, अतिथियों के लिए, तो अतिथियों के लिए फॉर द गेस्ट्स, अतिथियों के लिए। मदर विल बी कुकिंग फूड फॉर द गेस्ट, गेस्ट्स माँ अतिथियों के लिए खाना पका रही होंगी। तो यह तो हुआ आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एसर्टिव सेंटेंस। अब आइए हम निगेटिव में चलते हैं। जब किसी सेंटेंस में नहीं का जिक्र हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया विल अथवा शैल लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, तत्पश्चात हम बी लिख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से कोई एक जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अन्य कोई शब्द हो तो हम उन्हें लिख दिया करते हैं। आप अपने मित्रों को धोखा नहीं दे रहे होंगे। देखिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे आ गया और बीच में निगेटिव आ गया, तो इस तरह से यह आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब यहां आप पहले सब्जेक्ट रखिए, सब्जेक्ट यहां लिखा है। अब उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट लिखिए, तब बी लिखिए, उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, डिसीव माने होता है धोखा देना, DECEIVE होता है, इसमें हम ING जोड़ देंगे, यू विल नॉट बी डिसीविंग योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, You will not be deceiving your friends, आप अपने मित्रों को धोखा नहीं दे रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक वाक्य में, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक एस आर नो टाइप और दूसरे डब्ल्यू एस टाइप। तो आइए सबसे पहले हम ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने का तरीका सीखेंगे जिसमें हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है, उसका नियम हम सीखेंगे। अगर
प्रश्नवाचक वाक्य जो है हिंदी में क्या पहले आए, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल क्या कल बारिश हो रही होगी। देखिए क्या पहले आया और रहा रहे रही हो गया, तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या है, तो आप सहायक क्रिया विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। तो विल इट बी रेनिंग, और फ्यूचर है तो टुमारो। विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल बारिश हो रही होगी। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो हमें कुछ करना नहीं है, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उठाकर पहले लिख देनी है। उदाहरण के तौर पर हम वाराणसी कब जा रहे होंगे। देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में कब आया और पहचान आपका आ ही गया, रहा रहे रही, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखेंगे कब। विल माने होता है कब। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हम सहायक क्रिया रखेंगे, तो वी है हम, तो सहायक क्रिया शैल। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद बी, अब जाना, गो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। व्हेन शैल वी बी गोइंग टू वाराणसी, यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब अगर उसी इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी आए, प्रश्नवाचक सॉरी नकारात्मक शब्द भी आए, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसका रूल देख लीजिए। अगर वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो, और ऐसे प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया विल और शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नाट लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर क्या राधा घर नहीं जा रही होगी। देखिए क्या से शुरुआत हुआ, बीच में नहीं आया और रहा रही रही, इसका मतलब यह फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो अगर क्या से शुरुआत है, तो सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाम। विल राधा नॉट बी, क्रिया में आईएनजी, टू हाउस। विल राधा नॉट बी गोइंग टू हाउस, क्या राधा घर नहीं जा रही होगी। ये तो होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक, ऐसा प्रश्नवाचक नकारात्मक जिसे प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए। अब
मान के चलिए कि अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आए और नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? मैं घर क्यों नहीं जा रहा होगा? प्रश्नवाचक और नकारात्मक है। देखिए बीच में प्रश्नवाचक आया और नकारात्मक आया, रहा होगा, रही होंगी, या आपका पहचान भी आ गया। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो हम बिना सोचे समझे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो देखिए यही प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। अब चलेंगे हम सहायक क्रिया की तरफ, और सहायक क्रिया हम कैसे लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ आई है मैं, तो सहायक क्रिया हो जाएगी सैल, वे वाई सैल, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर लगाएंगे नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बी। वाई सैल आई नॉट बी गोइंग टू हाउस। तो यह हो गया प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो डियर स्टूडेंट, यह आपका 24वां चैप्टर है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें आपने सबसे पहले एसर्टिव पढ़ा, उसके बाद निगेटिव आप लोगों ने देखा, फिर इंट्रोगेटिव आप लोगों ने देखा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव आप लोगों ने देखा। तो आई होप कि आप लोगों को, कक्षा सात के समस्त छात्र छात्राओं को, आपके ग्रामर बुक का 24वां चैप्टर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई हेजिटेशन होगी, कहीं कोई सस्पिशन होगा, तो आप निसंदेह व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, आपके हर एक संदेह का यथोचित जवाब मिलेगा, आपको संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।